बस यही आखिरी दो बोतल है हमारे पास, आगे पानी नहीं मिलेगा। ये कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं मैडम, गला खराब हो जाएगा, पानी दीजिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या वो तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है वो। उसकी उम्र क्या होगी? 4th साल लगा है अभी। उसे पोलियो ड्रॉप दिए है ना? नहीं मैडम। ये कैसी आवाज है? बहुत ही सुरीली है। आवाज तो किसी पक्षी की है पर दिखाई नहीं दे रही। एक खास गौरैया है, सिर्फ गर्मियों में दिखाई देती है, ज्यादातर अकेले ही घूमती है, यही उड़ती रहती है। हाँ। बच्चे भी आसानी से पकड़ लेते हैं उसे। इतना ही नहीं, अपने अंडे पगडंडियों पर देती है, और रात को जब जानवर घूमते हैं तो खास आवाज निकालती है। बच्ची को नीचे उतारो। मेरी बेटी दंशिका। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? दंशिका। कोई कविता सुनाओ। चिड़िया रानी तुम पेड़ों की ही रानी, सुबह सुबह उठ जाती हो, जाने क्या करती हो, तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी को जाती हो, शाम से पहले आती हो या बच्चों का दाना लाती हो। बहुत अच्छे। चलो मुंह खोलो, तुम्हें एक चॉकलेट खिलाती हूँ। सुना है इस जगह से कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है? हाँ मैडम, उस दिन पूरा गांव जश्न मनाएगा, कोई आदमी काम पे नहीं जाएगा, गांव में मिठाई बांटी जाएगी, मंदिर में पूजा भी होगी। रॉकेट के उड़ने पे तुम्हें इतनी खुशी क्यों? ये इज्जत की बात है, देश का नाम रोशन होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, सबको गर्व होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। मैडम डॉक्टर का फोन है इस वक्त। हेलो सर। अभी तुमने जो फोटो भेजी है कौन सी जगह की? कत्तूर। बहुत अच्छी फोटो आई है। थैंक यू। इन फोटो को हम बैनर में डालेंगे, लोगों का भरोसा बढ़ेगा हम पर। जी सर। अच्छा वहाँ एक बाइक है जिस पर घड़े लटके हुए हैं, मुझे इलाका सूखाग्रस्त लगता है, अगर किसी एनजीओ या रिपोर्टर की नजर पड़ गई तो खामखा इशू बन जाएगा। ऐसा करो माँ बेटी की अलग से फोटो ले लो, और दोनों खुशहाल दिखने चाहिए फोटो में। ठीक है सर, क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ? जरूर लीजिए। एक फोटो ले लो। ठीक है। वहाँ खड़े हो जाओ, आगे आइए, मुंह खोलो। मैडम रेडी हैं आप? मैडम पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। रमन रुक, थोड़ा पेट्रोल चाहिए था। अरे 3 दिन पहले मैंने 30 रुपए का भरवाया था, तुमसे मांगने वाला था तो मुझसे ही मांगने लगे। ठीक है जा। ये नर्स किसका इलाज करने आई है खेतों बच्ची में? बच्ची को पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं। पिलाने दो। पूछना कोई ऐसी दवा है क्या जिससे उम्र भर प्यास ही ना लगे। स्कूल जाने के नाम पर यह यहाँ तैरने आता है। आज पूरा करता हूँ तेरे तैरने का शौक, जब तक साफ ज्यादा अंदर छुप के बैठते हैं। इधर है ना, अब जाओ यहाँ से, जब तक आप नहीं जाओगे वो नहीं निकलेगा। जाओ आप जाओ। मंटू जानवर हो क्या? पापा चले गए क्या? कब से चिल्ला रही हूँ तब भी नहीं सुनता, निकल जल्दी आ। अरे अरे रुक, अरे रुक मंटू, कब से मस्ती कर रहा है? स्कूल जाने के बजाय यहाँ पानी में खेल रहा है, पढ़ाई कर ले वरना मामा की तरह मजदूरी करना पड़ेगा। दिखता नहीं आए दिन इसे लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और मार भी खाता रहता है। स्कूल में मार पड़ती है। ठीक से पढ़ाई करेगा तो क्यों मारेंगे? जो पढ़ाई करते हैं उनको भी मारते हैं, वो राक्षस है, खाल खींच लेते हैं। ये क्या,
मास्टर जी को राक्षस बोल रहा है? राक्षस नहीं, उन्हें यमराज का बाप भी बुलाता है ये। बुलाया तो आपको मिर्ची क्यों लगी? तेरे बाप लगता है वो। मामा से ऐसे बात क्या करते हैं? इसे ही बुरा बोल सकता हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। मैं बदतमीज नहीं हूँ। सुना दीदी, बहुत बोलने लगा है आजकल। बहुत बोलने लगा है। तुमने भी बुद्धू बना दिया दीदी। क्या हाल हो गया इधर का? एक भी पेड़ नहीं है, कैसे जिएंगे यहाँ के लोग? हाँ, आजकल सबको लकड़ी का दरवाजा चाहिए, खिड़कियाँ चाहिए, फिर खुद ही शिकायत करते हैं कि हवा नहीं आ रही है। तुम लोगों को याद है ना, जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेलते थे। अब कोई खेल सकता है? और इन्हीं पेड़ों पे लड़कियाँ सावन में झूलती थी और हम यहाँ से फल चुरा के भागते थे। सुन, सिर्फ यहाँ के जंगल नहीं उजड़े, बचपन की यादें भी धुंधली पड़ने लगी हैं। अब तो लगता है पेड़ पौधों की जगह सीमेंट के जंगल बस जाएंगे यहाँ।